वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत एह मन तन त्रपिए बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत एह मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख अर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदका उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु महाराज जी दी अपार बख्शिश। शाम समय असी सत्संगत दे पल माण पा रहे हैं। गुरबाणी कीर्तन आप सरवन कर रहे सी। हुण समा बनिया है गुरु शब्द व्याख्या दा। रचना गौड़ी सुखमनी गुरु अर्जन साहिब जी दा पावन संदेश जिस विच्चों 17 नंबर अष्टपदी असी विचार रहे हैं। अते इस पावन अष्टपदे दा 6 नंबर बंद आप जी ने सरवन कीता है। महाराज जो बख्शिश कर रहे ने वैसे तो जो बीच विचार हो रही है उदा एक सीक्वेंस अगे जा रहा है। बचन है बारंग बार बार प्रभ जपी है बब्बा बब्बे नू कन्ना रारा रारे ते टिप्पी पई है। उचारण भेद विच इतना आ कि जिहड़ा टिप्पी का उचारण आ साडे घर विच अंग बनदा आ क्योंकि जिहड़ा प्राकृत पंजाबी भाषा विच इह है। जदों इस नू असीं हिंदकी या ब्रज अपभ्रंश च लै जाने फिर उत्थे अम बनदा आ। सो मोस्टली असीं कई बार ध्यान नहीं करदे सी बारंबार जिनी बार भी आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक्चुअली हुंदा बारंबार क्योंकि पंजाबी दे विच टिप्पी का उचारण जाणा नाल उह हिंदके वाला अपभ्रंश वाला नहीं जाणा। जदों अपभ्रंश वाला वह पढ़ रहे हैं उहदे च उस रूप में आएगा। सो इस तरीके नाल जिहड़ी कई बार हुंदा ना लिपि अंतर नाल की फर्क पै जाएगा। अजकल भी गल हो रही है कि देवानागरी च ही लिख दौ भावें नो डाउट भाषाई परिपेख दे जिन्ना वध तो वध लिखिया जाए पर उहदे अंदर जिवें आ हैगा यही शब्द लिखिया जाएगा तो इत्थे बारंग दी उत्थे एग्जैक्टली बारह में पढ़ना पएगा क्योंकि जो उत्थे उस तरीके नाल सी उहनूं जिहड़ा है चंद्र बिंदी पाउंदे आ उस तरीके नाल करदे आ उहदे विच। खैर जिहड़ी इत्थे मैं बेनती कर रहा सीगा बारंग बार बार प्रभ जपी है प्रभु दा भजन वार 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 कीता जाए। हुणे है तो बहुत सिंपल चीज़ सरल रूप दे विच क्योंकि अगे जा के जिहड़ा इस तो अगला है बोलो जस जी बा दिन रात इत्थे बचन आउणा अगे जा के फिर दू अगले पदे दे विच पर इहनूं थोड़ा गहरे तल ते देखणा होए बारंग बार बार प्रभ जपी है। हुण प्रभ जपी है प्रभ वाहिगुरु रब ते रब दे बाबत मतलब अज भी मैं यंग बच्चों नाल सी यंग ऑफेंडर्स दे नाल तो मतलब मसा ही उन्होंने जिवें थ्याया सीगा मैं तो देवर सेइंग भी वी आर एबनोस्टिक्स मतलब अही जिहड़ा धर्म करम दा साडा डायरैक्टली कोई मायना नहीं हैगा असीं तो बस
ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਫਿਰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ? ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਲੀਵਰ ਕਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਏ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ? ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੇਥ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਸਟਲੈਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੇਥ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਸਰਟਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ 'ਚ ਬਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਥੀਕਲੀ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਖੀਵੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਲੋਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਾਏ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਟੂ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭਾਂਡੇ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਟਨਟੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਰਜ਼ਾ ਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਵਿਲਕੇਗਾ, ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਆ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੇਥ, ਦੋ ਪਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫੇਥ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੇਲ 'ਚ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਅਚਿੰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਟੂ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਲਈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਚਿੰਤੇ, ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ, ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ, ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਵਾਪਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਅਨਹੋਨੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿਰਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਰਟਨਟੀ ਮੀਨ ਤੂੰ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੇਥ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਇਹ 'ਚ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਹ ਵਿਗੜੇਗਾ ਇਹ ਤਿੜਕੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੇ ਸਨੇਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਉਬਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੋਹਬਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਾਲਚ ਸਵਾਰਥ ਹਵਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 90% ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੂੰ ਸੰਗ ਛਾਡਿਓ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਪਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਢ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੋਂ ਕੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਕੜ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਐਟਰਨਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਨਹੋਣੀ ਭਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਿਭਣ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਜੇਗਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਸਨੇ ਭੜੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਚੁਲੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥ ਇਹ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਅੱਛਾ ਬਾਜ ਕਿਹਦੇ ਪਏ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਰੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ
बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां जो मन चित न चेते सन सा गाली रब की आ रब दियां गल्लां ने फेथ ये है ये है जे बंदा फेथ च है तो इस रूप दे विच आ एक होर भी रूप आ बड़े दानशमंद दे बचन ने कह के बस बचन ते वापस आ जाना क्योंकि बार 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 प्रभु जपी है यही बार बार जपना है यही आराधना है क्योंकि सर्टनटी हर चीज़ मेरी फेवर च होए मेरे अकॉर्डिंगली होए आ चीज़ ए आ ही करद्या करद्या तो बंदे ने धर्म का सारा दायरा भी एवं बना लिया मोस्टली बाणी वार वार कह रही है जिमें तू सोच रहा एवें नहीं होएगा काहे सोच करे रे प्राणी क्यों एवं सोचता है क्यों इन्ना इस फिक्र च पाया भी एवें हो जाए एवें जो करतार करेगा भला होएगा तू रोल प्ले करी जा बाकी अनसर्टनटी होएगी ये मदर नेचर के ला कोई नहीं रोक सकता। खैर जी मैं बात उस कॉलर बंदे की कर रहा है वो दानिशमंद कहता कहता कि देखो भी मैं वाहगुरु अगर अरदास करता हाँ तो वाहगुरु अगर अरदास करना भी वाहगुरु तू की नहीं दिता मैं सब कुछ ही तू दिता है इस जिंदगी तो लैके असी अपनी अरदास पढ़ीए तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास मालक सब तो तेरी रास आ मतलब तेरा दिया तुझे क्या अर्पूँ तेरे अगे की रखा मालक आ पिंड भी तेरा आ जिंद भी तेरी है जिंद ते पिंड ने जो बनाया साजिया ये भी तू ही बख्शिया सारा उस रूप दे विच पर कहिंदा हाँ जो तू इन्ना कुछ बख्श दिता इन्ना कुछ दे दिता है एक चीज़ मैं तैनू जरूर देनी चाहगा जिन्हों से कहने इंग्लिश लैंग्वेज बैनीफिट ऑफ डाउट बैनीफिट ऑफ डाउट आस्था के रंग दे विच ये पक्के तौर पर अंदर आ जाता जो सानू कोई जवाब नहीं ना मिलता किसी गल का अं कहने वाहगुरु जानता बेनीफिट ऑफ डाउट वाहगुरु ये तेनों मैं जरूर देवगा मैं कहगा कि मैनू नहीं पता पर तेनों तो पता है ना सारा तू तो जानता ना सारा तू तो अंतर जामी है ना तेरे तो कुछ नहीं लुकया चलो मैनू तू ना भी दस पर तेनों पता है ना तो मैनू विश्वास है बस आ फेथ आ इस फेथ के नाल जिहड़ी है साडियां अराउंड 99% मैंटल हैल्थ दियां मुश्किलां सारियां हल हो जांदियां बंदा एक सॉलिड बिलीव दे नाल तुरिया जांदा है ते कुछ एथिक लैवल ते अपने आप नूं इंप्रूव करदा उस लैवल ते फॉलो करदा है यही सिमरन करदा है एज आई अंडरसटैंड। मैं फिर बेनती करा कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं बाणी पढ़दे आ लिटरेचर कुरेदे आ आही चीज़ सुरते चाहिए महाराज इस रूप नूं बयान कर दे रजा दे संकल्प नूं समझ इहदा ते फिर यह है मन फिर मैं बेनती करा मन का सुभाअ इस सर्टनटी लभदा है हर चीज़ नूं इंश्योर करता आ तुसीं देखो जिहड़ा इंश्योर करन दा कॉन्सैप्ट है ना कैपीटलिस्टिक सोसाइटी ने ते पूरी एक चीज़ ही इत्थे खड़ी कर दित्ती भी मैं इस चीज़ नूं श्योर करना इंश्योरिटी देना सारा कुछ भाई इंश्योर किस चीज़ नूं करेगा कुछ भी इंश्योर नहीं गा कोई चीज़ कुदरत दे बने निज़ाम दे विच रोज़ चीज़ां टुटदियां ने रोज़ बनदियां ने रोज़ भजदियां ने रोज़ नवीआं आउंदियां ने ते एवें चलना निज़ाम फेथ च बैठा शख्स वो कहिंदा इहदा जाप करना चाहिए लगातार सिमरन करना चाहिए सिमरन का मायना यह भी हुंदा है सिमरन बहुतायत अखां बंद करके नहीं हुंदा बाबा जी कहिंदे कहां सो भाई मीत हैं देख नैण पसार कदी कदी अखां पसारिया भी कर थोड़ियां वेख्या कर आले दुआले कित्थे सारे सज्जन मित्र सुहिरद सब इस रूप दे विच गए अहसास हुंदा कई वारी मैनूं लगदा आले दुआले देखदे ना जिवें उस रूप दे विच जिवें सपोज मैं मैरिज काउंसलिंग बहुत सारिया चीज़ा लर्न कीतियां मैं ते ओ नोट्स बने पए ने पूरे बच्ची कह रही है आई हैड सीन एनफ दीज काइंड ऑफ क्वारलिंग दीज काइंड ऑफ एक्चुअली फैमिली एनवायरमेंट व्हेन माय मॉम डैड्स वर एक्चुअली हैविंग फाइटिंग ऑल द टाइम एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड Still they insisted me, they pushed me, they no, it's okay, put, we were very uneducated people, put, we were very actually, you can say, elitist people, we were very actually struggling person, that's why we were having quarreling. You guys are very good educated people, you have good habits, you are actually very good, you can say, money earners, you're gonna have really good life. But still, I'm stuck here. Is kisam na bachiyan kehnde, kaas kare bachiyan kehnde gaya. Phir main itni vinti karanga. कि उस बेनती की जाती कि सच ये है ये संसार का दस्तूर आ कभी भी जिहड़ी जिहड़ा एक सुपना असीं बना के बैठे ना कि बिल्कुल आइडियल वे आइडियल का मतलब की है आइडियल का मतलब ये थोड़ा है कि घर दे झगड़ा नहीं होएगा आइडियल का मतलब ये थोड़ा आ कि
कि मेरा ही ओपीनियन दूजा बंदा मनेगा या दूजे बंदे का मैं ही ओपीनियन मनागा, कभी भी नहीं होएगा। आइडियल का मतलब यह है इंट्रैक्शन दे विच असी बैक एंड फोर्थ स्ट्रगल करांगे, साढ़े गुस्से गिले शिकवे शिकायत सब रहनगियां नाल नाल चलनगियां, ये सारे दे अंदर साड़ी एक मंजिले मकसूद होएगी। मंजिले मकसूद यह है कि जीवन दे विच बुराइयां दा त्याग करना है, जीवन दे विच कुझेपन दा माड़ेपन दा अमूढ़ता दा इसनूं पल्ले नहीं बनना, इस तरीके की बात है। बाकी तो सब चीज़ा इस रूप चली जाणियां। अज दा सिमरन वार वार आ, महाराज बयान कर दे तेरिया मन आईया होणगियां, ये सिमरन ना कर, ये करेगा दुखी होएगा। सिमरन ये करिया कर जो प्रभु नूं भावे वह होना है। हुण बात पकड़ चार ही होनी, उन्हें अहसास कर सकता, क्योंकि साढ़े लिए मुश्किल बन गई है। ये भारतीय तंत्र दे विच उस सारे खिते दे तंत्र मंत्र इहो जिहे रहे, वो कहिंदे आह कर लो तो आह हो जाएगा, आह कर लो तो आह हो जाएगा, इस तरीके दे नाल भी वसीकरण सारा दा सारा। बाबा जी कहिंदे वसीकरण वसीकरण तो अपना नहीं हुंदा, तुसीं कहिंदे रब नूं वस च कर लैणा, तुसीं कहिंदे इष्ट नूं वस च कर लैणा, किसी बंदे दे कोल इहो जिही शक्ति वस च आ जाणी जो चाहे जिस रूप च चाहे उस रूप च कर लैणा। महाराज कहिंदे ना, ये निजामत या करतार दी खेड आ। बाबा जी इत्थों तक बयान कर दे, मतलब असी गुरु महाराज की भगाणी का युद्ध देखते हैं, बड़ी थोड़ी जी नफरी है उहदे विच भी कुछ तनखाहदार पठान भर्ती करवाए पीर बुद्धू शाह जी ने सडोरे वालिया ने, तो जदों लड़ाई की वारी आई तो जिवें आम करके राजसी लोग करते हैं पहाड़ी राज, कहिंदे इह च कि गल आ, साढ़े कोल चांदी की जुत्ती आ तो उहदे नाल ही सारा काम सैट कर लैणा, वह की आ सरमाए दे नाल पैसे दे जोर ते असी वो जिहड़े पठान ने उन्हां नूं वध ऑफर कर देंगे तो साढ़े नाल वफा कर लैणगे। उही गल बनी, वह भी दूजे पासे जा खड़ गए। वो तो पीर बुद्धू शाह वर्गे दानिशमंद लोग जिहड़े धरती दे उत्ते मतलब रब्बी गुणा नाल प्रणाई जिंदगी जी रहे ने, उन्हां कहा यह बड़ा वड्डा गुनाह कीता। राइट में अपना सारा आर परिवार टब्बर अपने सारे शागिर्द लैके पहुँच के पौंडा साहब जाके गुरु महाराज को जा गल च पला पा के कहा, भी गुरु गोबिंद सिंह साहब मैं तुहाडे तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना महाराज, मैं अपनी जमानत पर भर्ती कराए तो बंदे छड़ गए। महाराज जंग का समा आ तो सारे लग रहा भी हार बिल्कुल किनारे ते पई है, हुण ते होर पिछे रहा ही कुछ नहीं। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़े हो गए, कहने लगे भी गल आ जो होना तो जो अकाल नूं भावेगा, पर पीर जी जिसे तुहाडे अर्गे पीर आके खड़ जाण वह जंगा नहीं हारिया जांदियां, ये विश्वास है, ये बिलीव है। जिहड़ी विनती की इतने सर्टनटी नहीं, इतने बिलीव है, आई बिलीव इट विल हैपन, मेरा विश्वास है आ चीज होएगी, होए ना होए करतार दी खेड़ आ, मैं इस विश्वास से तुरदा, विश्वास उगदा। किसान सर्टनटी लैके नहीं चलता भी फसल होए, वह कहता विश्वास है दाने उगणगे, विश्वास है ये पौधे वड्डे होणगे, विश्वास है इन्हां पौधियां नूं बालियां लगणगियां, विश्वास है इन्हां सिट्टियां दे च दाने पैणगे, विश्वास है ये दाने कट्टण दा कुदरत मौका देगी, नहीं भी देंदी। बीजियां फसलां ते मीह पै के गल जांदे ने, भी होईयां फसलां ते गड़े पै के टुट जांदा सब कुछ, पक्कियां फसलां बिल्कुल सड़के सवाह हो जांदियां, पर विश्वास यही है कि इस रूप दे विच आखिरकार जित हुई। जो जित हुई तो पुछया बाबा जी हाँ जित गए तुसीं, बाबा जी कहिंदे नहीं भई जीत मेरी, नो डाउट झोली तो मेरी पई है, मैनू ही तुसी आके वधाई दे रहे हो, वधाई होए, पर कृपा अकाल केरी, एक कृपा उस अकाल दी है, उहदा तरसिया। आपां ते बिल्कुल अपने उस रूप दे सीगे कि विश्वास ते तुरे आ, इस तरीके नाल आ रूप ताया। इहदा सिमरन वार वार अहसास करना, आप भी करना आले दुआले भी करना। बेविश्वासी बंदे नूं होपलैस बनाउंदी है, सर्टनटी बिल्कुल एग्जैक्टली एवें होएगा इनश्योर करके इस रूप दे विच ये चीज़ा बंदे नू बिल्कुल राक्षस बना देंदिया ने। वह इधर जिवें सपोज करो भी चीज़ा हुण सानू मॉडर्न साइकोलॉजी आ जाइए, अज दी दुनिया दे वो जो कहिंदे बच्चे नाल गल करदे हो ना, तो बच्चा कहिंदा भी आई नीड दिस थिंग, वो कहिंदे यस यू कैन गैट इट, उहनूं कहना उहनूं कहो पुत आईया वी विल सी, आपां देखदे हां हुंदा कि नहीं हुंदा, देखदे हां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मैनू चाहिए, हाँ पुत चाहिए मैनू पता आ, आई नो दैट यू नीड इट यू वॉन्ट इट, बट यू नो फॉर दैट देर सो मैनी थिंग्स वी हैव टू फुलफिल दैट आफ्टरवर्ड यू कैन गैट इट। ए फेथ का भाव है, आ चीज़ा कंडीशन फुलफिल कर, हो सकता तेन मिल जाए, कंडीशन फुलफिल कीतियाँ नहीं मिलिया, इट हैपन पुत, पर डोंट वरी अपन दोबारा फिर करा फिर हो जाएगा। इस तरीके फिर ढा ढा के उसर दियाँ चीज़ा ढा ढा के बन दियाँ,
नहीं तो बंदा तो ढेरी टा के बैठ जाएगा। जे आप सपोज करो ना इस आले दुआले के बाबत जिन्होंने नैगेटिविटी कहने कई बार ये बहुत ज़्यादा सुनी जाइए बोली जाइए पढ़ी जाइए होएगा कि बंदे दिन रात नींद ना आएगी, अगले दिन उठ के बंदा काम तो नहीं जा सकेगा। होंगे इस रूप के इतने रीसेंटली मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एक प्रेजेंटेशन दी तो उत्थे एक शख्स आए तो एज लगते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन्होंने बेचारे जिवें स्टूडेंट्स के आम क्वेश्चन होंगे ने उस तरीके दे नाल तो क्वेश्चन सारियां दे विच इक्को ही चीज़ है कालापन, क्योंकि जिहड़ा नॉर्थ अमेरिका आ इनू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया आ लोग इत्थे ड्रीम्स नू वेख के ख्वाब लैके इत्थे आउंदे नू दे वांट टू एक्चुअली मेक दैम ट्रू उन्होंने रियालिटी जीना चाहते उस रूप में पर उस सारे दे अंदर जिहड़ी एक चीज़ सब तो लोड़ींदी है वह हैगी पेशेंस। इस तो बिना तो कुछ भी नहीं हो पाउणा ना, आपां जिस खिते च आए हाँ उत्थे इंपेशेंट होकर भी बंदा सज्जे खब्बे कुछ ना कुछ कर करा के इत्थे ते लीगल मैटर्स ने बिल्कुल लाइना खिंचियां ने सीधियां। हुण हाईवे दे उत्ते स्पीड लिमिट 100 आ, मैं वध तो वध स्क्वीज करांगा ते 120 कर लवांगा। हुण एक बंदा मेरे तो 2 घंटे पहला हाईवे ते चढ़िया आया ते वो ऑलरेडी उहदी स्पीड दे अकॉर्डिंगली 200 किलोमीटर जा चुका आ, जे मैं सेम डिस्टेंस कवर करके सेम डेस्टिनेशन ते पहुंचना 2 घंटे बाद गड्डी तुरी है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई एम गोना लेट एटलीस्ट 2 आवर्स। जे मैं ये कहां भी गल ही कुछ नहीं है, मैं ते 2 घंटे का सफर जेड़ा है ना रेस दे के पूरा कर देना। फिर एक होर चीज भी है इत्थे, वो है भी वो 2 घंटे का सफर ते होर वध जाएगा 3 घंटे 3.5 घंटे च, पर यह भी हो सकता बहुत वड्डा फाइन हो जाए। यह भी हो सकता है रस्ते दे विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मसला आया ही है ना 600-700 स्टूडेंट्स का, जदों लैटर मिलिया तो लैटर क्या बस वीज़ा मिल गया, बस उस रूप दे विच लीगल मैटर्स ने अल्टीमेटली कहिंदे जी वो जिहड़ा आ उत्ते बॉर्डर सर्विसेज का फॉल्ट आ इमीग्रेशन का फॉल्ट आ आपस में उन्होंने कनैक्शन नहीं है सारा कुछ वो ठीक है, बट एट द एंड लीगल मैटर्स दे सफरिंग दे तुसीं तुहानूं होणी सारी। इसलिए उदी जड़ी वो मतलब एक्सट्रा प्राइस पे करनी पेगी। खैर जी बेनती कर रहे उस पर फोकस करा, वो बच्चों ने मैं देखा बड़ा कालापन, मैं क्या पेशेंस रखो सब चीज़ा होनगियां समय के मुताबिक। अज का जोड़ा है डे टू डे अपने जोड़े चीज़ों के उत्ते फोकस करो, अज थोड़े डे टू डे एक्सपेंसिज उन्होंने घटाओ, जिथे कितने तुम्हें कुछ मदद मिलती मदद लवो, अपनी डे टू डे स्टडीज़ पर फोकस करो, अपन रोज़मर्रा दैबिट्स आदत इन्हों जो है शेप देवो तो हौली अल्टीमेटली हौली हौली बात बन आएगी। उस सर एक सज्जन आए वो एज सीगे थोड़े जे तो वह भी बैठे तो मैंने कहते भी तुहाडे नाल गल करनी बड़ी जरूरी, तो मैं कही दसो भी स्टूडेंट्स है कहते मैं स्टूडेंट नहीं गा मैं तो पी आर आया। मैं तुहाडा तो फिर मसला ही कोई नहीं, कहते मेरा बहुत वड्डा मसला, मसला यह है कि जो इतने वेखदा इतने बुरा हाल है, लोग दसते हैं आ भी नहीं होंगे आ भी माड़ा आ भी माड़ा आ भी माड़ा है, अच्छा पिछे देखदा पिछे भी बड़ा माड़ा बड़ा बुरा हाल है, इस तरीके सोचदा जावा किधर पिछे जावा कि इतने रहा भाई। गल ये है सर्टन तो कितने भी कुछ नहीं है, अनसर्टन तो पार्ट है हर चीज़ वास्ते, करतारी कुदरत की खेड आ, इस खेड के विश्वास नाल चीज़ा चल दियाँ। बिलीव करोगे धरती के उस खिते दे विच भी लोकी रह रहे ने रोटी खा रहे ने जिथे बिल्कुल कुछ भी मुयसर नहीं गा, तो अमीरी दियाँ दहलीजा भी चढ़ रहे, इस जगह पर जिथे बैठे हाँ इतने भी थोड़ा डाउन टाउन रात शाम तो मैं गेड़ा दे के देखा जी किवें शैल्टर च ले जाने वास्ते उन्होंने मतलब किवें फोर्स किया जा रहा, शैल्टर च रहो जाके भाई पता लगता महीना हो गया नहाते ही नहीं गए, खाने वास्ते फूड जिहड़ा कितों चोरी करके ले आए थे, पावर्टी इतने भी है। सो ये चीज़ा इस रूप में मौजूद ने। हाँ विश्वास है बिलीव है, तो बिलीव जिहड़ा आ ये अल्टीमेटली विनर हुंदा आ, यही रब का सिमरन आ, यही बाबा जी ने कहा क्या बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत इह मन तन तृपी है, पी अमृत रसायण अमृत वैसे आत्मक जीवन नूं भी कहा जाता पर अमृत की है जिहड़ा साडा मूँह का सलाइवा है ना, ये सारे घुट जिहड़े भर रहे हैं असीं, सारे कैमिकल सारा रस ही है, ये हकीकत आ। बहुत ज़्यादा नैगेटिव बहुत ज़्यादा गलत तरीके दियां गल्लां सब करोगे ना तो कभी देखा जे जिहड़ा गले चो सलाइवा भी थले जा रहा भी जहर लगेगा बंदे तो, जो तो बहुत हालात ओह जे होण ना तो मूँह च पाई हुई रोटी भी जहर लगती है, स्वाद कौड़ा होया हुंदा है, ग्राही मूँह च फुल जाती गले तो थले नहीं उकरदी,
पानी दे कुटा नाल भर भर के लोग अंदर कढ़ दे इस रूप दे विच। ते ए वी है जदों किते सुरत दा लैवल बहुत आला होए ते उदों उदों बंदे नूं चने भी चबण नूं दे दिओ ते कहिंदा बदाम ही ने बस, इह उह तुहाडे बाबे सीगे। इह सिर्फ ढीठता नहीं सी उहनां दी कि उह कहिंदे वी नहीं नहीं कोई ना ढीठ पुणे वाली बदाम कही जा, हां उहनां नूं लगदा ही बदाम सीगे क्योंकि अहसास सीगा कि किसे वड्डे आशे च तुरे जाने आ ते जिंदगियां लग भी रही ने पर कोई गल नहीं बापू का सुपना साकार हो रहा है, कार्ज बन रहे है, चीज उसर रही है, समाज दे विच चीजा देख रहे ने तब्दीली आ रही है। जिसनू कतल होने भी ले जाया जा रहा ना नखास चौंक दे विच ते उत्थे काजी फतवा भी ला रहा है, उत्थे ही कितें उन्होंने अपने किसी मुकदमे की सुनवाई हो रही तो उहदे विच जिन्हों बेड़ियां च बन्निया हुणे थोड़ी देर च कतल कर देना है उहदी गवाही हो जाती। वह कहिंदा भी तुसीं जिहड़ा इत्थे मुकदमा लगा रहे हो ये ठीक नहीं गा, इन्हें चोरी नहीं की इस रूप दे विच, उह कहिंदा ये कह रहा सच है छड़ दिओ इहनूं, करैक्टर कमाया है किरदार कमाया है, ये किरदार अमर आ शरीर अमर नहीं होंदे ये मर जांदे ने। बंदे एक जहनी सोच दे नाल जींदे ने, माफ़ी मंगांगा जदों असी मतलब सपोज करो मैं अपने घरां दे विच ही देखदा बच्चे नूं असी कहानी की सुणाउने आ, ये साढ़े जिवें साखियां सीगियां, साखियां असी बहुत पढ़दे हुंदे सी, दो तीन चीज़ां आ गईयां, एक तो यह आ गया कि सारा कुछ सर्टन बिल्कुल ठीक कर देना, बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखिया माफ़ी चाहांगा, फिर लिटरसी आ बहुती आ जानी, वर्णमाला अक्षर पढ़ लेने बहुते, ये ज्ञान नहीं हुंदा, ये कोई भी पढ़ सकता, ज्ञान ते जीवन की सूझ बूझ हुंदी है। बाबा जी ने बाणी च लिटरली तौर पर लिखिया, बाबा जी कहिंदे पॉसीबिलिटी है पढ़िया मूर्ख आखी है, वड्डे तो वड्डा पढ़िया होया 50 सर्टिफिकेट जिन्हें दीवार नाल टंगे ने ना वह भी मूर्ख हो सकता। लिटरसी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई है एजुकेशन, एजुकेट होना उस लैवल नू, उस ज्ञान सुरत च एक्यूमुलेट कर लेना उस रूप दे विच। हुण सपोज जिहो जे असी परिवार दे विच बैठ के गल्लां करदे आ, हुण मतलब ऐसी हालत आ अज टीवी होर चीज़ा तो अच्छे अच्कल तो खैर बच्चों का रिश्ता टीवी नाल भी नहीं रहा, टीवी तो पास्ट की चीज़ हो गई, हुण तो स्मार्ट डिवाइस है बस उत्ते चल रहा सब कुछ उस रूप दे विच, ते ना कोई सुपरविजन आ ना किसी तरीके दे नाल सब, अदरवाइज साखियां साखियां साखी साहित्य जिहड़ा आ ये की है, इस तरह जाणो कि कुछ चीज़ा अंदर सुरत च पैंदियां उहनूं बच्चा ड्रीम करदा कहिंदा अच्छा एवें दे इंसान बनीदा आ, मतलब जो मर्जी हो जाए वड तो वध की होएगा, कोई वढ़ देगा कट देगा झूठ नहीं बोलना, देखो सच्यार हो गया, डरना नहीं गा, डर डर बंदे दे कोल नहीं होना चाहिए, कुरु गुस्सा क्रोध ये बहुत ये चंगी गल नहीं है। इस तरीके ने जो सुरत लगातार प्रणाई तुरी लगी जाएगी हुण वो उस सलाइवा किवें दा अंदर लैके जाएगा, वो अमृत पिएगा, वो हर घुट दे नाल जिहड़ा सॉरी फॉर दैट साडी बहुत सारिया समस्यावां ने, ये है कि सानू लगता साडी जिहड़ी सब तो वड्डा खजाना पैसा है, जिवें आप गुरुद्वारा साहब बैठे हैं गोलक बड़ी वड्डी चीज़ है, मैं माफ़ी चाहांगा ये वधिया है लोड़ींदी है सारिया लाइटां दे नाल जग रही सारा कुछ इत्थे सब चीज़ां इहदे करके हो रही हैं, पर इत्थे वड्डा गुरु है ते ये भी उहदे करके है, इस सुरत च बंदे च रहे जिहड़ा पदार्थ है ना, ये पदार्थ है पर पदार्थ भी किसी किरदार दे किसी कैलीबर ते खड़दा आ गया, नरोल पदार्थ दा सिमरन सवेर तो लैके शाम तक करी जावांगे ना, भाई गुरुदास जी कहिंदे खांड खांड कह जीबो ना स्वाद मिठो आवे, तुसीं सवेर तो लैके शाम तक खंड 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 करी जाओ तो इहदे नाल ते जीभ मिठी नहीं होनी, हाँ जीभ मिठी हो जाएगी, खंड तुहाडी सुरत च होए भी खंड कमाउणी है खंड लियाउणी है खंड बनाउणी है, उहदे वास्ते उस तरीके दा यतन शुरू कर दिओ, फिर एक छड्ड के भावें खंड की बोरी लिया, जदों कैलीबर आ गया तो किरदार आ गया जिहड़ा अमृत आ। तो बाबा जी फिर कहिंदे लोग कहिंदे माया जिहड़ी है ना ये बड़ी माड़ी च, बाबा जी कहिंदे कुछ भी माड़ा नहीं, हाँ अमृत है ते पर अमृत जे अमृत होए ते हुण सपोज
मैं झूठ बोल के किसी की जेब चो चार पैसे कढ़ ले, फरेब करके किसी नूं धोखा दे के कुछ अमीरी अर्न कर ली, होएगा कि बाहर भावें जिन्ना मर्जी मुस्कुरा रहे हैं, फोटो पा रहे हैं, आले दुआले बड़ी चा चढ़िया, अंदर जमीर कोस रहा वो गलत कर लिया जी। समा जिवें जिवें बतीत होएगा भार वधदा जाएगा। महाराज कहिंदे फिर ये जहर, ये तो जहर ये बिखिया है, बिखिया महाराज बयान करते कि ये जिहड़ा जिहड़ा ना बिखिया खाद खाण दे नाल इहदे नाल ते बड़ा दुख हुंदा, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। बिखिया कहता ना सदा दुख होए, ना साथ जाए बंदे जिदे करके सब मतलब चलाकियां कीतियां, सब चीज़ां कीतियां, पंडा पंडा वगैरह बन लिया, तो हकारा आ गया, वह कहिंदे चल भी चलीए, तो कहिंदा पंडा कहिंदे पंडा तो नहीं जाणियां नाल, वो कहिंदे ता उम्र उस गिल्ट च भी जीए, पंडा भी नहीं नाल तुरियां, फिर बंदे ने कमाया की है? जिहड़ा आत्मक तौर पर बली है वह फिर अमृत वो अघा के गया। बाबा जी बयान कर दे पी अमृत ए मनतन त्रपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया। पर ये रतन उन्होंने मिला जिदा मूँह गुरु वाले पासे है, क्योंकि गुरु ये दात देंदा इस रूप दे विच। इस किच अवर ना ही दृष्ट आया, उन्होंने फिर इस तो बिना कुछ होर दिसदा नहीं गा। एथिक्स वाहगुरु करे साडी सारयां दी सुरत च रहन, अखां च रहन, नजरां च रहन, साडे जीवन का लहजा बने उस रूप दे विच। नाम धन नामो रूप रंग, नाम फिर कला जबान ते नहीं हुंदा, फिर तुहाडे जीवन विहार च फैल जांदा, जिथे तुरदे फिर नाम ही फैलदा चार छपेरे। महाराज बयान कर दे नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम महासुख आ, ते नाम दा फिर संग भी महासंग आ। अदरवाइज आइसोलेशन, महफलां च बैठे लोग कला कले महसूस करते हैं, घर थावां च बैठे हुए लोग कुरला रहे ने, विथां खुंजे लभ रहे ने रोण वास्ते, ये की है? कोई संग ही नहीं है। हाँ जो तो नाम वाला है, फिर बाबा जी कहते सारा सज्जन ही, सारा संसार ही अपना सज्जन आ, किसी नाल कोई है ही नहीं, वावलेवा ही नहीं कोई। उहदी बात कीती बाबा जी ने, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जो ये चीज़ पा ली ना, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्त ताने, जिहड़े जन इस रूपे तृप्त हो गए, मन तन नामे नाम समाने। नाम विचों आए हाँ, मन करके भी तन करके भी, वो नाम विच ही समा जांदे ने, जाके वो एक रोल प्ले करके अल्टीमेटली उस रोल विच ही सब कुछ वाइंड अप कर जांदे ने। इस तरीके नाल बिल्कुल अंतलियां लाइनां ने इहदियां, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कह सद काम। जन नूं तां इतना वधिया काम मिल गया, उठदियां बहिंदियां सब ओह ते बस सुण उहदा नाम दा रंग उस रूप विच रहा। पर यह बात शुरुआत उत्थों ही होनी है, बारंग बार बार प्रभ जपी है, इहनूं वार 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 दोहराना है, ध्याना है, इस रूप विच लैके जाना है। साहिब रहमत करन इन्हां आलमी अलाही अगमी वाकां दी प्रीति साडी सुरत पकड़े, ये दिली दुआ है। इन्हीं क बिनतियां नाल खिमा चाहांगा, भुल्लां गलतियां ना चितारनियां जी। सब प्रेम आवाज दे के कहना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।